इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। क्या होता भैया? बहुत तरीके से काटा गया है इसको। इधर काय की दुकान दिया मेरी तो सामने। कल रात को मेरे दुकान के शटर के ताले तोड़ दिए थे किसी चोरों ने, और मेरे को क्या पड़ोसी से रात को फ़ोन आया था करीबन 4 बजे, और 4 बजे फ़ोन आया तो हम यहाँ पे आए तो आगे देखा तो हमारे ताले टूटे हुए थे। मेरे गले में से कोई 6-7 हज़ार रुपये थे, वो भी लेके चले गए और पूरा सामान वामान इधर उधर बिखेर दिया। और हमने रात को कोतवाली में फ़ोन करा, वहाँ से हबीब जी कोई पुलिस है वो आए थे, उन्होंने कहा आप रिपोर्ट लिखा दो और हम एक्शन लेंगे। लेकिन मेरे को लग रहा है कि पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं लेते हैं और ना यहाँ पे कोई गश्त लगाते हैं। अगर गश्त लगाते हो तो सिग्मा में ही भेज सकते हैं अगर जीप नहीं आवे तो। और यहाँ पे एक हमने सुना है कि यहाँ पे हिंजड़ों का बहुत आतंक है, यहाँ पे आए दिन हिंजड़े बहुत गलत काम करते हैं, उसकी वजह से क्या नशेड़ी असेड़ी उनके संग में रहते हैं और वो ऐसी घटना कर देते हैं अक्सर। पास में एक और हमारे गन्नी भाई है, उनका भी ताला तोड़ रहे थे लेकिन उनके क्या कि सटल में यानी लॉक लगा हुआ था इसलिए वो नहीं टूटा, अन्यथा उनके भी बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जगह ये जिम्नेश्वरी मंदिर, जिम्नेश्वरी गली, गुरुद्वारा चौक, आर्य समाज चौक। मेरा नाम प्रेम सिंगाड़िया है और मेरी शॉप है साजन फुटवेयर। सर 4:30 बजे मेरे पड़ोसी का फ़ोन आया था मेरे पास कि भैया यहाँ कोई ताले तोड़ रहे हैं, ये 2-3 जने हैं। तो मैं धीरे से नीचे आया वैसे देखने के लिए, तो मैं जैसे नीचे आया वो रवाना हो चुके थे। फिर इधर हमारे साजन फुटवेयर करके इनका ताला काट के इनका सामान वामान बिखेर चुके थे, इनके जो गले में पैसे थे वो निकाल चुके थे। मैं भाग के आया तो वो निकल चुके। फिर मैंने सबको बुला के फ़ोन करके बुलाया और उनको बोला, और वहाँ पर कोतवाली में हमने फ़ोन किया उनको तो उन्होंने वो भी आए टाइम पर, मगर वो कह रहे हम देखते करते हैं। मैं पहले भी 2-3 बार वारदात हो चुकी है तो, और ये कोई कार्रवाई होती नहीं है, ना गली में कोई आता है। ये गली इतनी ख़राब हो चुकी है, हम बोल के परेशान हैं। किन्नर समाज के बहुत से छोरे हैं जो अपने आप को किन्नर बोलते हैं, किन्नर है नहीं, वो फोकट है। वो यहाँ आके गलियों में ऐसे गंदे काम करते हैं जो रात को कोई 1-1.5 बजे लिख ले तो वो यहाँ से निकल नहीं पाता है। ये स्थिति इतनी ख़राब कर रखी है। उनको भी मैंने 2-3 बार भगाया है मगर वो 2-4 दिन रुकते, 5 दिन रुकते, फिर वो गंदी हरकतें करते हैं। यहाँ पर पुलिस की गश्त लगती है? कोई गश्त नहीं भैया, पुलिस की यहाँ पर कोई गश्त नहीं आती है। और बस पुलिस की गश्त यही आती है कि कोई छोरा अगर घर में आता है उसको अगर थोड़ा सा कोई दारू है, किसी ने बियर पी है, पार्टी से आ रहा है तो उसको पकड़ के बस थाने में बिठा दो, इनका यही काम है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जब अपन उनको बोलने जाते हैं कि सर ऐसे ऐसी वारदात तो यहाँ देख लेंगे, उनके लिए तो ये पकड़ने के लिए बैठे हैं, बाकी कोई काम नहीं करते, साफ बात है। कितनी दुकानों के ताले टूटे? सर 2 दुकानों के ताले टूटे, इनके पहले भी 3 दुकानों के ताले टूट चुके हैं इधर मोहल्ले में। मुकदमा दर्ज करा दिए? सर मुकदमा जो अभी रात को बोला है अभी आके लेके जाएंगे सबको, मोहल्ले वालों को हम करा के आएंगे मुकदमा दर्ज। जितेंद्र खत्री है।